ये अगली खबर है सोशल मीडिया से जुड़ी हुई और डालते हैं इस पर नजर। एक और हम देश में तकनीकी की बात कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन करने जा रहे हैं, वहीं जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उस सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या अभी हम सक्षम हैं, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री की बात हो तो वो सबसे सुरक्षित और सबसे प्रोटोकॉल वाले व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन जब उनकी सुरक्षा में सेंध लगने लगे तो समझ लीजिए आपके हालात क्या होंगे। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैकर्स ने हैक कर लिया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, कितने एहतियातन कदम उठाए गए हैं, क्योंकि किसी चीज को अपना लेने से कुछ नहीं होता, उसकी अच्छाई बुराई सिक्योरिटी सबसे पहली चीज होती है। और इस मामले पर ट्विटर की तरफ से बयान आया है कि उसने हैकिंग की बात स्वीकार करी है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, जैसा कि हर मामले में होता है जांच की जा रही है, इस मामले में भी जांच की जा रही। तो अभी सोच समझ कर किसी भी ऑनलाइन किसी भी साइट किसी भी वेबसाइट पर अपने पर्सनल डिटेल्स डालिए, क्योंकि देखिए जब देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आपकी सुरक्षा किसके हाथ में है। सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है कि इस अकाउंट के अलावा किसके और अकाउंट पे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, इस बात की जानकारी भी अभी तक नहीं है।